हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट कुकिंग ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज ना मुझे हस्बैंड की तरफ से एक चैलेंज मिला है। क्या हुआ कि आज घर में कोई सब्जी नहीं थी और मैंने हस्बैंड से बोला कि आप जाकर सब्जी ले आइए, तो उन्होंने बोला कि एक सकुशल गृहिणी वही होती है जो बिना कुछ होते हुए भी सब कुछ बना ले। तो यहाँ तक तो ठीक था, कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लेती, पर उन्होंने बोला कुछ अच्छा रेस्टोरेंट की तरह बना ले, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो यहाँ पर मैंने, मेरे पास 5 से 6 मीडियम साइज़ के और छोटे साइज़ के मिलाकर प्याज थे, तो फिर मैंने ले लिया और उसे छीला। और छीलने के बाद देखिए, मैं कूड़ा जो है साथ के साथ साफ करती चलती, क्योंकि फिर किचन गंदा होता है ना, तो काम करने में मन नहीं लगता। उसके बाद देखिए, प्याज को इस तरीके से 4 स्लाइसेस में मैंने काट लिया है, 4 पार्ट में, और फिर इसके इस तरीके से जैसे दिखाया जा रहा है पिक्चर में, ऐसे मैंने इसके स्लाइस निकाल लिए हैं। और जो बीच वाला पार्ट बचता है उसे मैंने साइड में रख दिया है, उसकी हम ग्रेवी बना लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए, सारे प्याज को मैंने काट लिया है, ये देख सकते हैं, जो साइड साइड का था उसके इस तरीके से मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। जो बीच वाला पार्ट बचा है इसे हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं, पर मैं काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए चॉपर में कर रही हूँ। और 2 से 3 एकदम छोटे साइज के प्याज थे जिसके स्लाइसेस अच्छे ना निकलते, तो वो भी मैं इसमें चॉप कर ले रही हूँ। 2 हरी मिर्ची मैं चॉप कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, आप देख सकते हैं, इसे भी हम 4 पार्ट में देखिए इस तरीके से काट लेंगे। और ये देसी टमाटर हैं, तो इसके बीज मैं निकाल दूंगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी सब्जी। तो देखिए, बीज से काट कर फिर से इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से देखिए, इस साइज के हमें टमाटर काट लेने हैं। तो यहाँ पर प्याज टमाटर दोनों कट गए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे गैस में और उसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे, तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो प्याज हमने काटी थी उसे इसमें डालकर बस खाली 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखना है कि प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई करके बिल्कुल सॉफ्ट नहीं कर देना है, बस 1 मिनट के लिए इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और फिर उसके बाद इसे निकाल लेंगे हम प्लेट में कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद देखिए, तेल फिर दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, जो तेल बचा हुआ था उसी में हम टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। बस टमाटर को भी 1 मिनट ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर जब आप इसे ग्रेवी में पकाएंगे तो फिर एकदम गल जाएंगे। तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे। और फिर सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तो जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, और जो प्याज और हरी मिर्ची हमने फाइन चॉप करके रखी थी ना उसे डाल देंगे। और प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम पकाएंगे। और देखिए, जब तक प्याज पक रही है तब तक यहाँ पर 1 टमाटर को भी हम बिल्कुल अच्छे से फाइन चॉप कर लेंगे, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं साथ के साथ ना कभी कभी काम करती चलती हूँ, कभी कभी पहले से तैयारी करके रखती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम रहता है वैसे ही मैं भी करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए, हमारी प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, और इस कढ़ाई में हमने एक टमाटर भुना था ना, तो देखिए वो थोड़ा थोड़ा सा पानी लग गया था, तो लग रहा है। और अभी हमने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसे भी 1 मिनट भून लेंगे। उसके बाद जो हमने टमाटर ग्रेट किए थे उसे डाल दिया है, और टमाटर गया तो फिर नमक तो जाएगा ही, तो नमक डाल दिया। और नमक के साथ ही हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जिससे कि मसाले भी भून जाएं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और इसे अब हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मसालों को और टमाटर को ऑयल रिलीज होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, टमाटर और मसाले भी बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। 3 मिनट हो गया इसे भुनते हुए, टमाटर मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं, बहुत अच्छे से ऑयल रिलीज हो रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो घर में सिंपली दूध आता है उसकी मलाई, 2 चम्मच उसकी मलाई डाल देंगे, और फिर हम इसे पका लेंगे। और जैसा कि बताया गया है कि इसमें किसी भी स्पेशल इन्ग्रीडियंट का यूज़ नहीं हुआ है, तो सिंपली मलाई डाल देंगे। और मलाई भी अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से भुनेंगे, देख सकते हैं कैसे ऑयल रिलीज हो रहा है, बहुत ही अच्छे से हमारे मसाले पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी का यूज़ बहुत ही कम करेंगे, 1/2 ग्लास से भी कम पानी डालेंगे। और पानी डालकर फिर हम ग्रेवी को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि जो प्याज टमाटर हमने भून कर रखा है उसे डालने के बाद फिर इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, तो ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से पक गई है, कलर देखिए कैसे, और ऑयल भी ऊपर रिलीज होने लगा है, देख सकते हैं आप। तो अभी इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके और मिक्स कर देंगे, और इसके बाद जो हमने प्याज और टमाटर फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे, और इसे डालकर ढककर बस इसे हम 1 मिनट पकाएंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो टमाटर है वह बिल्कुल सॉफ्ट और मशी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे कहाँ चले गए। तो बस इसे ढककर 1 मिनट पका लेंगे, और
और उसके बाद आपकी बहुत ही टेस्टी सी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी वाली सब्जी प्याज टमाटर की बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हुई है। यकीनन ये सब्जी लच्छा पराठा, रोटी, नान, पूड़ी सबके साथ बहुत टेस्टी लगती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट चैलेंज मुझे क्या मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।